मधुबनी जिले के झंझारपुर अनुमंडल में दो पुलिस ओपी को पुलिस मुख्यालय द्वारा थाना में परिवर्तित किया गया है, जिसका आज उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि झंझारपुर अनुमंडल के अररिया ओपी और लखनौर आरएस ओपी को पूर्ण थाना का दर्जा मिलने के बाद झंझारपुर एसडीपीओ अशोक कुमार ने दोनों थाना का फीता काटकर उद्घाटन किया है। एसडीपीओ ने अररिया संग्राम थाना का उद्घाटन करते हुए कहा कि अब अररिया संग्राम थाना का पूर्ण दर्जा मिल जाने से इस क्षेत्र के आम जनता को काफी सहूलियत होगी। अब यहाँ की जनता को थाना संबंधित जल्द से जल्द कोई भी समस्या का निदान हो जाएगा। खासकर अब महिला पीड़ित को अधिक देर तक थाना में इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ महिला पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहेंगी। इसी तरह आरएएस ओपी के उद्घाटन के बाद उन्होंने कहा कि अब रेलवे स्टेशन थाना झंझारपुर बन जाने से झंझारपुर रेलवे स्टेशन बाजार सहित इस क्षेत्र आम जनता को अब कोई भी मामला दर्ज करवाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आरएसओपी झंझारपुर को अब पूर्ण थाना का दर्जा मिल गया है। अब यहां पुलिस पदाधिकारी की संख्या बढ़ेगी, जिससे इस एरिया की कानून व्यवस्था में मजबूती मिलेगी। वहीं अब इस थाना का अपना नया भवन मिलने वाला है, जिससे पुलिस और आम जनता को काफी सुविधा मिलेगी। झंझारपुर से हरिशंकर प्रसाद की रिपोर्ट। गृह विभाग की अधिसूचना संख्या 2349/24 में दिए गए निर्देश के आलोक में आज दिनांक 26/2/24 को अरारी रेलवे स्टेशन आउटपोस्ट को रेलवे स्टेशन थाना के रूप में उत्परिवर्तित किया गया है, और इस अवसर पर हम लोग इस समारोह में शामिल हैं। एक आउटपोस्ट के पुलिस स्टेशन बनने के क्रम में सबसे पहले तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से हमें सहूलियत प्राप्त होती है कि पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को यहाँ रखा जाता है। नए नए सिस्टम इंस्टॉल किए जाते हैं, ऑनलाइन का जो सिस्टम चल रहा है, कंप्यूटर इंस्टॉलेशन होगी, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन होगी, बढ़िया क्वालिटी का माइक सिस्टम भी डेवलप किया जाएगा। तो और इसके अलावा जो यहाँ का झंझारपुर का मेन हट है, ये एक व्यावसायिक स्थल है, वहाँ गाहे बगाहे छीना छप्पी चोरी की घटनाएं होते रहती है, उस पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। अपराध का नियंत्रण और अपराध का निवारण के साथ साथ अपराधियों पर नकेल कसने में पुलिस प्रशासन को मदद मिलेगी। इस थाना के रूप में विकसित होने के बाद आम नागरिकों को इससे क्या क्या फायदा हो सकती है, इसकी ओर मैं इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो जो पहले यहां आवेदन दिए जाते थे वो आवेदन लखनऊ जाती थी और वहां एफआईआर की प्रक्रिया पूर्ण की जाती थी, उससे विलम्ब होती थी और साथ ही यहां के थाना कर्मियों के द्वारा बोला जाता था कि लखनऊ से एफआईआर होने के बाद आने के बाद हम लोग अग्रेतर कार्रवाई करेंगे, लेकिन अब वो समस्या नहीं होगी। थाना के रूप में विकसित होने के बाद जो सीसीटीएनएस का सिस्टम है वो तुरंत ऑनलाइन एफआईआर सबमिट की हो जाएगी, तुरंत जो है एससीआरवी के वेबसाइट पर वो शो करने लगेगी और प्रत्येक व्यक्ति उसके नकल को अगले दिन ही ले सकते हैं, वो ऑनलाइन निकाल सकते हैं। वैसा नहीं कि इसकी कॉपी लेने के लिए हमको थाना के पब्लिक को चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, जो सीसीटीएनएस सिस्टम काम करेगी, उसमें कोई व्यक्ति गुम हो गया है, लॉस्ट हो गया है, भूल गया है, कहीं चला गया है, उसका फोटो के साथ इस पर अपलोड किया जाएगा और पूरे भारत के लेवल पर उसको जो है देखा जा सकता है कि तो किस व्यक्ति इस व्यक्ति का डिटेल्स क्या है, किस क्षेत्र का है, किस थाने क्षेत्र का है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इससे अपराधियों पर नियंत्रण होगी और सबसे बड़ा जो फायदा है महिला हेल्प डेस्क के बारे में कि थाना के रूप में पूर्ण विकसित होने के बाद देखने का, अभी महिला हेल्प डेस्क नहीं है, महिला हेल्प डेस्क भी यहाँ स्थापित हो जाएगी। महिला हेल्प डेस्क में महिला पदाधिकारी और कर्मी होते हैं जो कि महिला पीड़ित महिला के बयान को दर्ज करते हैं या उनकी समस्याओं को सुनते हैं, इसमें पुरुषों के कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इससे जो है महिला जो आवेदक है, आवेदिका है, उनको काम आने के बाद उनको सहजता अनुभव होगी,
और वो अपनी बातों को अच्छे ढंग से रखेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो इन्वेस्टिगेशन पार्ट है उसमें हमको मदद मिलेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि पुरुष जो है कोई बात को छुपा लेते हैं, लेकिन महिलाएं जो है अपने मतलब नहीं दुनियादारी से बचकर नहीं है, वो सही सही बातों को छुपा लेते हैं। इससे इन्वेस्टिगेशन हमारा तत्पर रहेगा और इन्वेस्टिगेशन एक मूर्त रूप ले सकेगा। तो मैं आज ये उद्घाटन करने के लिए एसपी सर को आना था, लेकिन समय की व्यस्तता के कारण एसपी सर ने मुझे आदेशित किया इसे कार्यक्रम को परिवर्तित थाना को उद्घाटित करने के लिए। और आज ये पूर्ण रूप से थाना के रूप में विधिवत रूप से आज के बाद कार्य करेगी और इस महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए जो जनता की अचित प्रतीक्षित मांग था उसको पूर्ण करने के लिए मैं झारखंड पुलिस और मधुबनी पुलिस की ओर से पुलिस मुख्यालय बिहार सरकार और वरीय पुलिस पदाधिकारी धन्यवाद अर्पित करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। से उत्कर्षित होकर सब थाना आए हमारे टीबू सर, तुम सभी जनप्रतिनिधि, तुम सभी साथी, सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए भी है और सबके लिए है, यहाँ आपका जो भी था या थाना बन गया है उसका जवाबदेही पथवा कम था और डरा बन गया है। तो मैं आप सबसे यही उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह हमें सहयोग किए हैं आगे भी सब आप सहयोग कीजिए। और समस्त मैं ज्यादा देखा मैंने बात बोला होगा उससे यही बोलूंगा कि हम लोग ने मुझसे खाना निकाल लिया था क्योंकि बहुत कम लोग बोलते थे सर हर गया था हर गया हमारा ही बोलते थे आज गए मैंने ये सुना हो गया है। और ज्यादा बात ही एप्रिसिएशन का और गया का एप्रिसिएशन जब से खाना आया एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि मैं नजदीक से बहुत सारे अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, यशवंत सर हो गए, सानी जी हो गए, उन सबके साथ मैं बहुत सारे समय बैठा हूँ तो मैं जानता हूँ कि वो लोग कितना अच्छा से इस एरिया को लेके चले हैं। कोई ऐसा बड़ा घटना भी नहीं अपने एरिया में अभी तक हुआ है और हर समय कोऑपरेटिव है जनता के बीच में, ये लोग 100% दिए हैं हम लोग के साथ में। और आप लोग देखते होंगे कि हम लोग फिल्म हीरो से इंस्पायर्ड है, लेकिन रियल मायने में देखा जाए तो यही हमारे हीरो है। 24x7 ये हमारे लिए जीते हैं। मैं 10 बजे 11 बजे रात को भी लौटता हूँ कभी से स्कूल से, तो मैं देखता हूँ सर लोगों को एनएच पे खड़े रहते हैं। हम लोग तो चैन से सोते हैं इसलिए क्योंकि ये हमारे लिए जागते हैं। तो दोनों में बहुत अंतर है, कहना और करना में बहुत टफ है। पुलिसिंग करना उतना आसान चीज नहीं है, पुलिसिंग में घर बार दुनियादारी सबको छोड़ के रहना पड़ता है, फैमिली से दूर रहना पड़ता है, तो वो वही महसूस करते हैं जो पुलिसिंग में है। और मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ, उनके लिए तो थोड़ा सा बर्डन और हो गया, पहले थोड़ा जिम्मेदारी थी और थोड़ा जिम्मेदारी बढ़ा है, लेकिन जिस हिसाब से मिथिला हाट आया है मैं तो आप लोग सब जान रहे हैं ये क्रेडिट किनको जाता है, तो थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन तो और चाहिए भी था और एडमिनिस्ट्रेशन हुआ है तो अच्छी बात है। सब हमारे बड़े भैया लोग हैं और सर लोग हैं और सबसे मैं नजदीकी हूँ और सबसे मैं बात भी करता हूँ, तो मुझे बहुत खुशी है कि अपना एरिया और थोड़ा शांतिप्रिय और होगा और अगल बगल का जो भी सब भी गांव है इस थाना होने से कारण उसमें भी शांति जाएगी और अच्छा माहौल रहेगा। सही यही बात करना चाहते हैं। थैंक यू।